ロカルテ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਲੜਕਾ ओम प्रकाश रावत होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 23 जनवरी से संभालेंगे पद। फिलहाल गुजरात के चुनाव आयुक्त हैं ओम प्रकाश रावत। अशोक लब्बासा चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने दी जानकारी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आपको झटके के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सभा में हंगामा। सीएम को दिखाएंगे काले झंडे। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में था सीएम केजरीवाल का उद्घाटन। सीवर लाइन का उद्घाटन करने गए थे केजरीवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, नारे भी लगाए। इससे पहले आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य करार कर दिए गए थे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की याचिका को राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने भी निलंबित विधायकों की अयोग्यता का नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली में जल्द हो सकते हैं 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव। आम आदमी पार्टी ने मार्च 2015 में 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। इसी नियुक्ति को लेकर प्रशांत पटेल नाम के वकील ने राष्ट्रपति के पास शिकायत की थी। याचिकाकर्ता पटेल ने विधायकों की सदस्यता खत्म करने की रखी थी मांग। चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को अपनी जांच के बाद आरोपी विधायकों को अयोग्य करार कर दे दिया था। सितंबर 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा नियमों को ताक पर रखना नियुक्तियां की गई। आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार ने भी सवाल उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्ति को रद्द करने की अपील की। चुनाव आयोग में आपके 17 विधायकों के खिलाफ जारी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जांच। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष पदों पर भी नियुक्तियां की गई थी। घटनाक्रम में दिल्ली की आप सरकार को तत्कालीन कोई खतरा नहीं। 70 सदस्यीय विधायक विधानसभा में निलंबन के बावजूद केजरीवाल सरकार के पास बहुमत है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में केजरीवाल सरकार को अब अदालत से उम्मीद। हाईकोर्ट से सोमवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट भी जाने का विकल्प बरकरार है। आपने मामले पर रखी सफाई, कहा राष्ट्रपति ने हमारा पक्ष सुने बिना फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट तक विवाद लड़ेंगे। अयोग्य घोषित किए जाने के बाद चांदनी चौक से विधायक कलका लांबा का केंद्र पर आरोप, कहा संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके 20 विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने को बीजेपी ने बताया केजरीवाल की नैतिक हार। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस ने भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आप विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर खुशी जताई। अजय माकन ने कहा आखिरकार सच सामने आया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने पूरे विवाद में बीजेपी और आपके बीच सांठगांठ के भी आरोप लगाए। कहा आपके राज्यसभा सांसदों के ऐलान से पहले क्यों नहीं हुआ यह निलंबन। अजय माकन ने दावा किया कि फैसले को लेने में 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग गया। कहा पहले ऐलान होने पर आपके राज्यसभा सांसदों की नियुक्ति संभव न होती। विवाद पर पूर्व आप नेता और विधायक कपिल मिश्रा ने दी सीएम केजरीवाल को चुनौती, कहा जनता के सामने चुनावी बिगुल के लिए तैयार हो जाए।